बालोग आज बात करेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, द वॉल, जिसकी एक अलग वैल्यू है इस पूरे यूनिवर्स में, जिसका काम नॉर्थ की वाइल्ड लैंड से प्रोटेक्शन का था और व्हाइट वॉकर्स को भी रोकने का काम था, लेकिन ये रोक नहीं पाई थी गेम ऑफ थ्रोन्स में जैसा कि हमने देखा। तो बाबा, वॉल की लंबाई 100 लीग लॉन्ग यानी 300 माइल्स मानी जाती है और इसकी ऊंचाई 700 फीट मानी जाती है, लेकिन कुछ एक हिली एरिया में इसकी ऊंचाई 900 फीट भी मानी जाती है। इसकी रक्षा स्वान ब्रदर्स करते हैं, जिनको नाइट वॉच उर्फ वॉल ऑफ क्रो भी कहा जाता है, जिनको शपथ दिलाई जाती है कि दुनिया की सारी मोहमाया छोड़कर बस यही तुम्हारी दुनिया है और इसकी रक्षा करना वन एंड ओनली चॉइस है, जिसकी पेट्रोलिंग के अंतर्गत पूरे पूरे 19 कासल आते हैं, जो फ्रॉस्ट फैंग्स के माउंटेन से ईस्ट के बे ऑफ सील्स तक लंबी है ये वॉल। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स में मेन कासल ब्लैक पर ही ध्यान दिया गया था और उसी के अंतर्गत कहानी देखने को मिली थी। क्रिमिनल्स को, जो भी सेवन किंगडम्स के क्रिमिनल्स थे, उनको यहां पर नाइट वॉच रखा जाता है। वॉल की सुंदरता काफ़ी दूर से यानी काफ़ी माइल्स की दूरियों से ही दिखाई पड़ने लग जाती है। सॉलिड आइस, स्टोन और कुछ जगह मिट्टी का इस्तेमाल कर इसे ठोस और काफ़ी मजबूत बनाया गया था, जो कई बार ग्रे और ब्लू भी चमकती थी, लेकिन इसकी चमचमाहट अधिकतर मौसम पर निर्भर करती थी क्योंकि आइस एंड वाटर की वजह से ये रिफ्लेक्ट करती थी। फुल मून नाइट के टाइम पर ये क्रिस्टल्स की तरह चमचमाती थी। ऑथेल यारविक, जिसने इस वॉल को बनाने का नेतृत्व किया था, कासल ब्लैक से लेकर ईस्ट वॉच बाय द सी तक ये वॉल बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी खड़ी दीवार है, लेकिन कासल ब्लैक से शैडो टावर तक ये सांप की तरह आड़ी तिरछी यानी जिगजैग फॉर्म में देखने को मिलती है, क्योंकि उस तरफ हिली ज्योग्राफिक लोकेशंस की वजह से स्ट्रेटनेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वॉल की चौड़ाई की बात करें तो टॉप में एक साथ एक दर्जन लोग खड़े हो सकते हैं और आ जा सकते हैं, और बॉटम साइड की बात करें तो बॉटम से बहुत ज़्यादा थिक है ये वॉल। हर कासल में दूसरी तरफ जाने के लिए आवाजाही करने के लिए एक सुरंग बनाई जाती है, जिसकी इमरजेंसी के टाइम पर ये कासल को या फिर कासल को खाली करने के टाइम पर इसे पत्थर से भर दिया जाता है। बाकी वॉल के उस तरफ के कोई भी लोग जब इस पे अटैक करते हैं वाइल्डलिंग्स, तब नाइट वॉच ऑयल बैरल का इस्तेमाल करते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। स्कॉर्पियन एरो का भी इस्तेमाल करते हैं और ऑयल बैलर से ये ब्लास्ट करते हैं अधिकतर गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वही एक वल्नरेबल पोजीशन है वहां से एंट्रेंस के लिए। और ये चीज हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा था, जब वाइल्डलिंग्स जायंट्स और हाथी के साथ इस्तेमाल करके बाहरी गेट को जब तोड़ने जा रहे थे, तब ऑयल बैरल का ब्लास्ट करके प्रोटेक्ट किया था, लेकिन वाइल्डलिंग्स वॉल को क्लाइंब भी करते हैं। तो ये सारी बातें थी बॉयल से रिलेटेड भाई साहब, लेकिन इसकी हिस्ट्री पर भी नजर मार लेते हैं, कब कैसे ये बनी और किसने बनाया और ये आइडिया कब आया। तो बाबा लोग, वॉल बनाने का डिसीजन तब लिया गया था जब 8000 साल पहले लॉन्ग नाइट के दौरान एक ऐसे क्रिएचर का अटैक हुआ नॉर्थ में, जिसके लिए लोग तैयार भी नहीं थे, जिन्हें व्हाइट वॉकर कहा गया। लॉन्ग नाइट के एंड होते ही और व्हाइट वॉकर्स को हराने के बाद एक बिग वॉल बनाने का डिसीजन लिया गया, जिसे जायंट और चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट की मदद से नॉर्थ के लोगों ने बनाया, जिसको ब्रैंडन द बिल्डर नाम के बंदे ने अंजाम दिया। कहा जाता है कि जब किंग जहरिस वन टारगेरियन वॉल घूमने गए, तब क्वीन एलिसेंट टारगेरियन का ड्रैगन सिल्वर विंग इस वॉल को पार करने की कोशिश करी, लेकिन असमर्थ रहा। और यह भी कहा जाता है कि भाई साहब, आज तक डेनिरिस के ड्रैगन ही इस वॉल को पार करने में समर्थ रहे हैं, बाकी और कोई ड्रैगन इस वॉल को पार नहीं कर पाया है। इसकी गारंटी फिलहाल मेरे पास नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू रूमर्स मैंने आपके सामने ये बात रख दी। तो बाबा लोग, ये थी वॉल की गाथा, जिसको जो भी मेन पॉइंट थे मैंने सब आपके सामने रख दिए हैं। तो हैड्रियंस वॉल से ये इंस्पिरेशन ली गई थी, जो 122 एडी के टाइम पर बनाई गई थी, वो भी हार्डियन रूलर के द्वारा, जो नॉर्दर्न इंग्लैंड में सिचुएट है आज के टाइम पर, जिसे रोमन वॉल भी कहा जाता है। तो बाबा, ये थी सारी बातें वॉल से रिलेटेड, जिसे गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स में एक अलग तवज्जो दी जाती है। बाकी आपको इसके बारे में और भी कुछ पता है इसके अलावा, तो नीचे हमारे साथ जरूर शेयर करके जाना अपना एक्सपीरियंस। बाकी ये वीडियो कैसी लगी तो जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्साइटमेंट। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो बाबा किस पे बना सकते हैं? मैं सोच रहा हूं रॉबर्ट रेवेलियन या फिर एगन्स कॉन्क्वेस्ट पे बनाए, तो जरूर बता के जाना कि किस पे पहले वीडियो बना दी जाए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।